गाइस कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की जो व्लॉग है उसका जो टॉपिक है वो एग्ज़ाम्स है। एग्ज़ाम्स पे मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि आप सबको पता है कि पाकिस्तान में आजकल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। पहले मैट्रिक के, उसके बाद फिर इंटर के स्टार्ट हो रहे हैं। आज 2 मार्च 2024 है और 4 मार्च से मैट्रिक के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो आज मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ना, इनको नोट कर लीजिएगा। ये बेसिकली 3 स्टेजेस के ऊपर मैं ये पॉइंट्स बता रहा हूँ कि पहली जो स्टेज है वो है एग्ज़ाम से पहले की। एग्ज़ाम से पहले क्या करना चाहिए स्टूडेंट? एग्ज़ाम से पहले ना आप लोगों को सबसे पहले एक रूटीन सेट करने की ज़रूरत है। एक रूटीन सेट करें और उस रूटीन में आप अपनी मर्ज़ी से, ये नहीं कि किसी की बताई हुई रूटीन को फॉलो करें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई एक रूटीन सेट करें जिसमें आपने फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जी मैंने सबसे पहले एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करने हैं। तो उसको एक टाइम दें कि 1 दिन में 2 दिन में 3 दिन में मैंने एमसीक्यूज़ सारे बुक के प्रिपेयर करके छोड़ दें, ठीक है, सारे एमसीक्यूज़ कर लेने। और उसके बाद फिर आ जाएँ शॉर्ट क्वेश्चंस पे, देन आ जाएँ लॉन्ग क्वेश्चंस पे, ठीक है। इस तरह एक रूटीन बना लें, चाहे तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, पहले शॉर्ट क्वेश्चन कर लें, कोई भी एक रूटीन सेट कर लें ना, मतलब कि इतने दिन में एक टारगेट सेट कर लें कि इतने दिन में मैंने ये काम करना है। अगर ऐसे नहीं रूटीन बनती तो फिर चैप्टर वाइज रूटीन बना लें, चैप्टर के टारगेट ले लें कि पहला चैप्टर मैंने इतने दिन में कवर करना है, दूसरा चैप्टर मैंने इतने दिन में कवर करना है। अगर ये भी रूटीन नहीं बन रही तो आप बुक्स की रूटीन बना लें कि इतने दिन में मैंने ये वाली बुक तैयार करके परे मार लें। मतलब कि इस तरह से ना आप एक रूटीन सेट कर लें। ये एग्ज़ाम से पहले की बात है। मतलब एग्ज़ाम से पहले आपने रूटीन बनाई, आपने इतने दिन का टारगेट सेट किया और 5 दिन 6 दिन 7 दिन 1 हफ्ता 2 हफ्ते, ठीक है, आपने रूटीन सेट की। और रूटीन सेट करके चाहे देखिए आपके पास बेशक 2 महीने क्यों नहीं रह गए पेपर में, तब भी आप तैयारी कर सकते हो। और बाकी कुछ बच्चे तो देख के अभी सोच रहे होंगे कि हमारे तो 4 तारीख का पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो कोई टेंशन ना लें। इस वीडियो में आगे आपके लिए भी है क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद क्या करना है ये भी बताऊँगा मैं। अच्छा, तो रूटीन आपने सेट कर ली और आपने टारगेट सेट कर लिया, टारगेट आपने एग्ज़ाम से पहले उसको अचीव कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एग्ज़ाम्स के दौरान। अब एग्ज़ाम्स के दौरान सबसे पहली ये जो चीज़ है ना, स्टूडेंट क्या करते हैं वो ये है कि टेंशन ले जाते हैं, बहुत टेंशन ले जाते हैं कि क्या करेंगे। बोर्ड एग्ज़ाम है, बहुत से स्टूडेंट तो पहली दफ़ा बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो कहते हैं जी क्या करेंगे, वो इन्विजिलेटर क्या करेगा हमारे साथ, ये होगा वो है। तो सबसे जो बड़ी चीज़ है ना वो ये है कि घबराना नहीं है, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। आपने मेहनत की है अगर तो अल्लाह आपके साथ मदद करेगा, ठीक है। अगर मेहनत की है तो टेंशन नहीं लेनी आप, ठीक है। एग्ज़ाम के दौरान आपने अपना जो वो डेली वाइज रूटीन होती है वो आपने मेंटेन करके रखनी है। ये नहीं है कि रात को 3-3 बजे सो रहे हैं, सुबह 8 बजे उठ के एग्ज़ाम देने जाना है, तो ये चीज़ भी नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम से पहले ही आपने सारी मेहनत कर लेनी है, ठीक है। एग्ज़ाम्स के दौरान आपने ज़्यादा मैक्सिमम जागना तो चले 10-11-12 मैक्सिमम जाग के फिर नींद को भी टाइम दें, ठीक है। वो से स्टूडेंट क्या करते हैं कि जी रात को 3-3 4-4 बजे तक टेंशन में जाग रहे होते हैं, सुबह पेपर है, क्या करेंगे, ठीक है। तो ये टेंशन नहीं लेनी है आपने, ठीक है। एग्ज़ाम से पहले मेहनत करें और एग्ज़ाम्स के दौरान अपनी जो रूटीन है वो भी सेट रखें और फिर मतलब बाकी अल्लाह पे छोड़ दें, ठीक है। और हाँ, सबसे जो मेन चीज़ है वो एग्ज़ाम्स के बाद वाली है। एग्ज़ाम के बाद आपने क्या करना है, एग्ज़ाम के बाद जब एग्ज़ाम्स हो जाते हैं तीसरी स्टेज में, आपने ये करना है कि एग्ज़ाम तो हो गए, अब आप क्या कर सकते हैं, गेस करें और कमेंट में लिखें ज़रा क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको क्या कर सकते हैं। अच्छा, आप कर ये सकते हैं कि दुआ कर सकते हैं। देखिए, आपने जो भी किया अपनी मेहनत की, ठीक है, और मेहनत करने के बाद वो आप छोड़ देंगे अल्लाह ताला पे, ठीक है। मेहनत की और वो अल्लाह पे छोड़ दिया कि जो भी मेहनत का सिला होगा अल्लाह ही आपको देगा, ठीक है। उसके लिए बस आपने दुआ कर ली, क्योंकि स्टूडेंट देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि आपके इख्तियार में नहीं होती, ठीक है। जो आपके इख्तियार में थी ना चीज़, वो ये थी कि आपने मेहनत करनी थी, ठीक है, मेहनत आपने की। अब क्या पता आपको कि वहाँ पे इन्विजिलेटर बहुत ही स्ट्रिक्ट है या लीनियर है, ठीक है, वो कैसा इन्विजिलेटर है, वो तो अल्लाह पे है ना कि वो
तो आपके हाथ में नहीं है ना, वो तो आपके इख्तियार में नहीं है ना, तो वो चीज़ें कैसे आपके हक में होंगी, वो आप अगर दुआ करेंगे ना तो अल्लाह बेहतर कर देगा, ठीक है। और पेपर कैसा आएगा, पेपर में क्या क्या होगा, मुश्किल चीज़ें तो नहीं आ जाएंगी, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आएगी जो पहले पेपर में थी ही नहीं, कभी आई नहीं थी पेपर में, मतलब कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो एक्सपेक्ट ही ना की हो कि ये भी पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है, जो चीज़ें आपके इख्तियार में हुए मेहनत, आपने मेहनत करनी है, ठीक है। जो चीज़ें आपके इख्तियार में नहीं है ना, उसके लिए आपने दुआ करनी है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स के बाद रमज़ान है, तो रमज़ान में तो अल्लाह ताला बहुत ही सुनता है, जो इफ्तार के टाइम आप लोग रोज़ा खोल के दुआ मांगते हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे आपने दुआ करनी है, ठीक है। ये सबसे बड़ी चीज़ है, एग्ज़ाम्स के बाद आपने इफ्तार के टाइम रोज़ा रख के इफ्तार के टाइम आपने दुआ करनी है, सहरी में, इफ्तार में, नमाज के बाद हर टाइम आपने दुआएं करनी है, अपने लिए भी, मेरे लिए भी, सब के लिए, ठीक है। तो फिर दुआएं करनी है आपने और अल्लाह बेहतर करेगा, ठीक है। बाकी बेस्ट ऑफ लक ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा, मेहनत करें, बाकी अल्लाह भी छोड़ दें, इंशाल्लाह जो रिज़ल्ट होगा वो अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।